चलिए एक बार फिर से बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। मेरा नाम रामशंकर कारपेंटर है। फिर से नाम बताएंगे आप? मेरा नाम रामशंकर कारपेंटर है, बालामऊ से बिलोंग करते हैं सर। हमारे गुरुजी अक्षयलाल विश्वकर्मा जी, क्या नाम, क्या क्या बोल रहे हैं? हमारे गुरुजी अक्षयलाल विश्वकर्मा जी ने हमसे कहा एक सोफा हमको बना के दीजिए जी। तो हम सभी कारीगरों के द्वारा मिलकर के एक सोफा सर के लिए तैयार कर रहे हैं। इस सोफे का क्या नाम है? इसका सर थ्री सीटर सोफे का नाम है। फिर से बताएंगे नाम? थ्री सीटर सोफा है सर। थ्री सीटर सोफे का नाम क्या है? इसको कवर्ड बोलते हैं या सादा सोफा, क्या बोलते हैं? इसको कवर्ड बोलते हैं। कवर्ड बोलते हैं जी सर। और किसी को जानकारी है सोफा का क्या नाम है? सब लोग कवर्ड बोलते हैं ना, सर्टिफाई है सब लोग? हाँ चलिए बताइए। बताएं सर। सर सोफा बनाने के लिए सबसे पहले थ्री सीटर के लिए हमें चार खूंटों की जरूरत होती है, जिसको खूंटा कहते हैं। आप यहाँ से बताएंगे? ये सर हमने चार खूंटे बनाए हैं। हाँ अब आप लोग बैठ जाइए। ऊंचाई सर, और लोग बैठ जाएंगे इसको छोड़ करके, इसके पूरा फोटो आना चाहिए। हाँ ऐसे सब लोग बैठेंगे, एक लोग बताएंगे, सब लोग बैठेंगे। सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। आप बताइए ये सोफे का क्या नाम है? सर इसका नाम डिजाइनिंग सोफा है। आपका नाम क्या है? राजवीर शर्मा। इस सोफे को कहते क्या है? इस सर को हम गादी सोफा बोलते हैं। नहीं कवर्ड बोलते हैं या कवर्ड भी बोलते सर? कवर्ड बोलते हैं। हाँ। तो हत्थे का सोफा है, बिना हत्थे का है? बगैर हत्थे का है सर, सादा है सिंपल। नाम क्या है आपका? सर हमारा नाम राजवीर शर्मा है। आप यहाँ कैसे आए? सर यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा जी सर, ट्रेनिंग लेने आए हैं? नहीं सर, ट्रेनिंग लेने आए, सॉरी सर। हाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं। ठीक है, आपका ट्रेनर का क्या नाम है? हमारे सर का नाम है अक्षयलाल विश्वकर्मा जी। अच्छा आप भी जानते हैं जी? अपने ट्रेनर को जानते हैं जी? क्या नाम है? अक्षयलाल विश्वकर्मा जी। धन्यवाद। आप जानते हैं क्या नाम है ट्रेनर का? अक्षयलाल विश्वकर्मा जी। अच्छा ठीक है, आप बताइए सर। चार उसके बाद में सर अगर हम नीचे पाया लगाते हैं, चार इंची का पाया लगाएंगे तो उसको 26 इंच का बनाते हैं। अभी 26 इंच है सर, ये है 26 इंच सर। बताते रहिए, सब लोगों को समझ में आना चाहिए, मेरे नहीं, मेरे को मालूम है, हम सबसे पूछेंगे अभी। साइज जो बताएंगे सर हम वो सबसे पूछेंगे। इसमें सर चार पाए लग जाएंगे तो इसकी हाइट आपकी। पावा क्यों लगेंगे सर? इसकी हाइट बढ़ाने के लिए और सुंदरता बढ़ाने के लिए। सही है, जोरदार तालियां इनके लिए। फिर उसके बाद में सर हमने ये 8 इंची का साइड काट ली है। इसकी लंबाई क्या है पूरा? लंबाई सर 5 फीट है। 5 फीट नाप के दिखाइए हमको। हमको दिखाएंगे 60 इंच है, ये 5 फीट है आपका तैयार। ये 5 फीट है, ये हमको दिखाएंगे आप नाप के बाहर बाहर। ये सर आपका बाहर से बाहर सर 30 इंच का है। एक मिनट। ये सर 30 इंच है आपका। ये कॉर्नर टू कॉर्नर जी सर, ये हो गया 30। ये आप 24 इंच की गद्दी आएगी सर। एक मिनट, 24 इंच का हमको दिखाइए आप। ये 24 इंच है सर, 24 इंच की गद्दी है। ये हो गई ये सर। और ये आपकी ऊंचाई क्या है इसकी? ऊंचाई सर 8 इंच की है अभी। एक मिनट, इसमें सर 4 इंच जुड़ जाएगा तो 8-12। ये आपका टेप नहीं सही है क्या? मिट गया है? कोई दूसरा टेप दिखाइए जिसके पास अच्छा टेप होते। ये सर 8 इंच है,
इसमें 4 इंच आएंगे आप, ये सर 4 इंच पाया लग जाएगा, 12 इंच अभी रुक जाइए आप, दिखाइए 8 इंच कहाँ है, ये सर 8 इंच है, इसको 8 इंच बोलते हैं जी सर, करेक्ट 8 इंच है जी सर, नहीं 8 इंच है सर, गलत है सर, सर 8 इंच ही है, सवा 8 इंच है, 8 इंच दो सूत, नहीं सर देखिए 8 इंच दो सूत, ये देखिए सर 8 इंच है, 8 इंच दो सूत, एक सूत डेढ़ सूत, फिर आपने 8 इंच क्यों कहा, 8 इंच डेढ़ सूत, सॉरी सर, हाँ चलिए ये आपका 8 इंच हो गया, और अब इसको बताइए आप साइड में, ये साइड है सर 6 इंच, 6 इंच जी सर, यहाँ से यहाँ की दूरी आप, यहाँ से सर यहाँ से ये आपका 8 इंच रहेगा, उसके बाद गाड़ी के लिए सर फॉर्म हम लगाते हैं, तो आपका 5 इंच का सर फॉर्म लगेगा जी, इसके ऊपर 1/2 इंच की सर प्लाई पड़ेगी, 5.5 इंच आपका ये तैयार छोड़ा जाएगा जी, इसका इसमें 5 इंच 6 सूत सर छोड़ा जाएगा, 1 सूत 2 सूत आपका जो होगा कपड़े के लिए, इसकी सीट खींच करके इसके अंदर यहाँ से लगेगा टाइट करने के लिए जी सर, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, आप ऐसे जब जब समझाएंगे तो चेहरा आपका हमारे तरफ होना चाहिए सर, यहाँ से यहाँ की दूरी 30 इंच, हमको दिखाइए सर, देखिए 30 इंच, एक सेकेंड, ये 30 इंच जी सर, फिर ये आपने टेपर कैसे किया सर, टेपर हमने यहाँ से 8 इंच ये हो गया, उसके बाद ये 5 इंच आपका फॉर्म लगेगा सर जी, 1/2 इंच प्लाई रहेगी जी, उसके ऊपर फॉर्म रहेगा सर जी, 2 सूत आपका कपड़ा ले जाएगा सर जी, तो आपका 5 इंच 6 सूत 7 सूत हो जाएगा जी, सर ये इसकी बैक, और इसके बाद में हमें टेक के लिए आवश्यकता होती, हम मतलब टेक के लिए हम यहाँ से फिर ये कितना छोड़ा है आपने सर, 13 इंच छोड़ते हैं, उसके बाद ऊपर से लग गई, ये 2 इंच छोड़े हैं जी सर, ये 2 इंच है सर आप, और ये आपकी पट्टी, ये सर 2 इंच की है, ये क्यों लगाए हैं, ये सर इसके लिए फॉर्म लगाएंगे तो उसकी गोलाई बनाएंगे सर, अच्छा मजबूती भी बढ़ेगी जी सर, एक बार नाम अपना फिर से बताएंगे, राम शंकर कारपेंटर है सर, आप भी अपना नाम बताएंगे जी सर, राजवीर शर्मा कारपेंटर, आप भी आप लोग भी अपना नाम बताएंगे, अच्छा अब आप ये बताइए ये पट्टी आपने क्यों लगाई है, ये सर कपड़ा खींचने के लिए लगाई है सर, जी इसका काम और भी है इसका जी, खींचने के लिए वही हम भी जानना चाहते हैं सर, कपड़ा खींचने के लिए भी है सर, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं, ये सपोर्ट भी हमारा है, अच्छा जी सर, अब इसमें आप लोग क्या करेंगे अब सर, अभी इसमें प्लाई डालेंगे, प्लाई कहाँ कहाँ लगाएंगे सर, ये आपका टॉप हो गया, हाँ ये टॉप हो गया सर, ये हमारा ये टॉप हो गया, तो ये जो टॉप आप लगाएंगे तो यहाँ से एक प्लाई, हाँ यहाँ तक कवर करेगा, ये हमारी बात समझिए, एक पार्ट आपका ये होगा, एक पार्ट यहाँ तक लगेगा, एक अलग 3 पार्ट जी सर, दो पार्ट लगेगा तो झुकेगा कैसे, ये सर आपको जाएगा पूरा झुका है, ये ऐसे खाली रहेगा जी, इसमें फॉर्म आएगा, फॉर्म आएगा सर, गद्दी आएगा, गद्दी आएगी सर, हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर इसमें भी प्लाई लग जाए तो क्या दिक्कत है, नहीं सर